समाज में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें सोचने को मजबूर कर देती हैं कि आज हमारी सोच और हमारे संस्कार क्या हो गए। नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। मैं बात कर रहा हूं झुंझुनू जिले के ही गांव बुगाला के लड़के की, जिसका नाम अजय जांगिड़ है। अजय जांगिड़ की शादी सिक्कर के तारपुरा गाँव की लड़की सुबिता के साथ होने वाली थी। शादी के दिन लड़का अपनी बारात लेकर तारपुरा पहुंच भी चुका था और वरमाला तथा भोजन की सारी प्रक्रिया पूर्ण भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद अजय जांगिड़ के परिजनों ने दुल्हन के परिवार के सामने दहेज की मांग रख दी, जिस पर दुल्हन ने और उसके पिता ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि जितना हमारी हैसियत थी उतना हमने किया है। उसके बाद दूल्हा पेशाब करने का बहाना करके वहाँ से भाग गया और सारे बाराती भी वहाँ से चले गए। और उससे भी बड़ी रोचक बात ये हुई कि अब वही दूल्हा उस लड़की की होने वाली भाभी के साथ शादी करेगा। ये एक सोचने वाली बात है कि आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और ऐसी घटनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देंगी। अब दुल्हन सुबिता और उसके परिजनों ने सिक्कर एसपी से गुहार लगाते हुए मांग की है कि अजय जांगिड़ की शादी होने वाली है और उसको रुकवाया जाए, तथा उन्होंने जो दहेज की मांग की थी उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस मांग को लेकर परिजनों समेत अन्य गांव के लोगों ने भी सिक्कर एसपी से मुलाकात की है।